वेलकम टू अथरम डेयरी फार्म चैनल। आज हमें सरदार नगर में और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो परचेसिंग करे उन सबकी जो है रिव्यू भी बतलाने वाला हूँ, जो भाई क्या हिसाब से लिए और उनका सेल का एजुकेशन भी क्या है वो भी बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? कहाँ से आए आप? याकूतपुरा। याकूतपुरे से? याकूतपुरे पे कहाँ था? वाहिद कॉलोनी, वाहिद मस्जिद के से। कैसा लगा आपको आज का बाज़ार? आज का बाज़ार तो देखिए बहुत महंगा है, देखो चढ़े हुए रेट आज के बाज़ार के। कुछ शॉपिंग वगैरह करें? नहीं करा करा मैं। क्या लिए? दो जानवर लिया। ये दो जानवर लिया आप? जी जी। तो ये सेल के लिए आप घर के लिए? सेल के लिए। सेल के लिए आप? जी हाँ सर, सेल के लिए लिया। तो अगर किसी को होना है तो कहाँ पे आएंगे? ये हजारे मस्जिद के पास आके अपने कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। हजारे मस्जिद, हजारे मस्जिद एग्जैक्टली लोकेशन में। क्या हिसाब से लिया आप? ये 68 में लिया। ये 70 में लिया। देखिए थोड़ा इसको पलटाइए, माशाल्लाह। ये 68 में लिए? जी जी। और ये वाला? ये 70 में लिया। देखिए तो रीसेल प्राइस क्या है आपका? फिर रीसेल आए तो अपन क्या है, जो भी 2-3 हज़ार रख के दे देंगे। ऐसा दे देंगे, शौक के हद से करते करो। कैसा है बाजार के हालात, क्या दिखा? बाजार के हालात तो बहुत रिटर्न चढ़े हुए हैं। बकरी ईद है, लोगों को कहीं चाहिए, कुछ कम भी है कुछ ज़्यादा भी है। जी जी जी, कुछ कम भी है ज़्यादा भी है, हिसाब से अब लेने के, लेने वाले के हिसाब से। बस अपनी बार्गेनिंग है जो भी है। जो भी है बिल्कुल टैलेंट है अपना, कितना चुका के ले सकते, ले सकते। वही तो असल चीज़, टैलेंट होना ज़रूरी है। याकूतपुरा हजारी मस्जिद के पास है आपका लोकेशन। चलिए जिस किसी को भी भाई को चाहिए डायरेक्टली मिल सकते हैं भाई को वहाँ पर जाके। आप ये दो पाड़े लिए हैं? नमस्ते। पेरेंट है दिया? नवीन। नागेश यादव। नागेश यादव? यादव अन्ना। ये ब्रीड उन्नाई हरियाणा ब्रीड उन्न? हरियाणा उन्नी मैसा उन्न? हरियाणा उन्न। हरियाणा मुर्रा उन्न? मुर्रा उन्न। ఎంత లీటర్ లో ఉన్నాయి ఇది? పాలు ఎంత ఉన్నాయి? పూట కార్ లీటర్ లో పాలు ఉన్నాయి? 6 లీటర్ పూట కార్ లో? అసలు 12 లీటర్ కి ఫేసే దీనికి ఏక్ టైం పే 6 లీటర్ దూధ్ ఇస్ కింద కాకా ఎంత ఎలక్ట్రిషన్ లో ఉన్నాయి ఇది? 140,000 ఉంది ఎలక్ట్రిషన్? ఎలక్ట్రిషన్ కిత్నే బ్యాత్ కి హై? కిత్నే బార్ వచ్చేది ఇది? 2 బేత్ కా? 2 సే 3 బేత్ కి హై? యాదవ్ అన్నా ये जो नाम है ना अक्रम डेयरी फार्म, में डेयरी चलाया हुआ हूँ तो भैंसों से रिलेटेड आइडिया है मेरे को, तो आप इस वजह से पूछ रहे हो कितने ब्याज की है? 2 से 3। दो बेत का ये वाली? तो अभी 12 लीटर पे रनिंग ठहरी हुई है। कितने दिन का बच्चा है इसके नीचे? 4-5 दिन का है। 4 से 5 दिन का है? हाँ। आपकी डेयरी भी है? कहाँ पर? दोबारा खाली वहाँ ठहर के डिटेल बोल देते हैं। क्या रेट की है जो 12 लीटर पे? 1.5 लाख बोल रहे। 1.5 लाख बोल रहे? और कितने दिन का बच्चा है इसके नीचे? 8 दिन का। 8 दिन का मेल है फीमेल का? मेल है। मेल बच्चा है। और ये भैंस कितने दिन? ये भैंस 1.20 का है। 1.20। कितने लीटर इसमें दूध है? 4-4 लीटर। 4-4 लीटर है। इसका आर्डर देखिए, पूरा खुला है, थन भी पूरे साफ है इसके। और सामने से भी मैं बता दूँ, ये देखिए आप पूरे आर्डर खुले आर्डर के अंदर। तो अभी कौन सी नस्ल के भैंसे मिलते हैं आपके पास? मुर्रा, महसाना, सिंगल है? सिंगल है, सोलापुर सिंगल भी है। ठीक है, जाफराबादी में भी करते काम? अभी नहीं है लेकिन करते हैं उसके अंदर काम। ठीक है, अभी देखिए दूध का सीज़न है तो यानी भैंसों का शॉर्टेज भी रहता है। कोई अगर डेयरी फार्मर्स भी है तो सरदार नगर आके आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी दूध के भैंसे हैं, इसका भी ऑर्डर देखिए। और बिल्कुल छोटे थनों के अंदर पूरे खुले थन, कोई भी अगर कस्टमर आए तो पूरा खुला बतला के देते ना, दूध वगैरह निकाल के करके बतला के देंगे इसके अंदर। ठीक, हो गया था आप काम, गई भैंस पानी में, देर भाई ऐसा होता था। ठीक है, ये वाली कितने लीटर पे? गाबन है, अभी नहीं जिंदा। अच्छा गाबन है, कितने महीने की है? 8 दिन में जिंदा। अच्छा पूरी भर गाबन है, 10 महीने हो गए इसके, 8 दिन में जनने वाली है। इससे पहले क्या रिकॉर्ड था दूध का? 1.15 लाख नहीं रेट था, दूध कितना था पिछले? 14 लीटर दूध की भैंस है। देखिए काफ़ी बड़ी भैंस है, भैंसों में एक खासियत है यानी इनकी चमड़ी जितनी पतली रही दूध ज़्यादा आता, और जितनी बड़ी भैंस है उसमें दूध ज़्यादा आता। तो किसी को अगर भैंसें होना है तो वो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल है बफेलोज भी, वाटर बफेलो भी यहाँ पर है। नंबर 56 6 3 0 6 3 0 5 3 5 4। ओके, लोकेशन क्या है आपका? विकाराबाद। विकाराबाद नियर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास में भी अगर आके कॉल कर लेंगे आपके नंबर पे तो ले लेंगे ना? हमेशा भैंसे रहते हैं आपके पास? हाँ हमेशा रहते। डायरी भी वहीं पर है? हाँ। ठीक,
चलिए, अब मैं जैसे बताया था आप लोगों को, काफ़ी सारा यहाँ पर बुल्स का, बफेलोस का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? वहीद भाई का छोटा भाई हूँ। वहीद भाई के छोटे भाई है, तो वहीद भाई की खरीदी शुरू हो गई। चलिए, नाती वगैरह भी, दले भी है, नक्कर भी है। ये तीनों उंगोले देखिए, एक पूरा वाइट है, एक पे सर पे शेड है, एक पूरा लाल है। तो बीच वाला जो पाड़ा है वो आपका है। क्या है एज इसकी? दो दांत पे शायद और रहता भी है। और क्या रेट में मिला है? 45 में। खर्चा वगैरह 47 तक आपको भी हो जाएंगे, यानी 2000 मिला। और निकालेंगे क्या? 50 में निकल भी जाएंगे, यानी 2-3 हज़ार ऊपर रख लेंगे फाइनली। तो आपकी जो ज़रूरत है उस लिए आप परचेज़ करे हुए हैं इसको। और नाती भी दिली भी देखिए, साइज़ अच्छा है। नॉर्मली अगर कोई लेंगे भी तो यानी 2-3 हज़ार ऊपर रख के दे देंगे, क्योंकि रीसेल का भी काम है वही भाई का। आप जा रहे हैं बोरा बंडा। ओके, चलिए, तीसरी वीडियो थी यहाँ की सरदार नगर की। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो ऐसे और बहुत सारे मार्केट्स भी कोशिश करूँगा मैं कवर करने के लिए। एक डीजे वाले भी यहाँ पर है। मुझे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आराम से ले ही है। खैरियत से मुझे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका काम डीजे का है, आप पाड़े बजाने आ गए? हाँ, बजा रहे बाबा। बजाना पड़ता? अच्छा, बजाना पड़ता। एक बार बजा ली थी। सही बात है। तो घटे नहीं घटे कुछ भी फिर बकरे? अभी तो दो घटे, एक वहाँ पर। दो घट गए, एक वहाँ पर। दांत है ना, देर पे देख लिए माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भाई, कौन से पाड़े हैं आपके? यही पाड़ा, पीछे का पाड़ा है। जहीर भाई? अच्छा अच्छा, धीर भाई के पीछे का ये है, मैं समझा पीछे का। तो ये पाड़ा आपके पास है दो दांत पे। जब आप खरीद रहे थे तो ओनर क्या रेट बोले थे इसका? 45 बोले थे। 45 बोले थे। आप कितने में लिए? 42 में लिया। 42 मिली। एक बार साइड लुक मैं बता देता हूँ, देखिए 42,000 में आस्किंग हुई इसकी, और लगभग इसके ऊपर भी 2000 के आसपास खर्चा आ जाएगा। अब आप लेके कहाँ जा रहे हैं? संतोष नगर। संतोष नगर में कहाँ पर? बानू नगर, मदीना मस्जिद। अच्छा, मदीना मस्जिद के पास अगर आए तो आप पिक कर लेंगे। जी ठीक है। तो ये वाला पाड़ा वहाँ पर क्या रखने वाले हैं आप आस्किंग प्राइस? 55,000 रुपीज़ रखने वाला हूँ। और उसमें अच्छा खासा कम करके दे देंगे। और ये वाला जो दूसरा है आपका, ये भी प्योर उंगले देखिए, शेड वाला, ये भी दो दांत के आसपास रहेंगी इसकी एज। इसका क्या था आस्किंग जब आप आए थे लेने के लिए? 55,000 में बोला था, 50,000 दिया। 5,000 कम कराया? 5,000। लोग 10-10, 15-15 हज़ार कम करा ले रहे हैं, खाली 5,000 कम कराया आप। लेकिन पाड़ा अच्छा है, गोल है, प्योर उंगोल है, देखिए नेक वगैरह अच्छी बनी हुई है इसकी। तो ये क्या रेट में देना है वहाँ पर? 60,000 में दे देंगे। 60,000 में दे देंगे, ठीक। चलिए, ऐसे बहुत अपडेट्स बतलाऊँगा मैं आप लोगों को। ऐसे भी पाड़े हैं, ये परचेस हुए हुए पाड़े, यानी ये जो लाइनअप है, जहीर भाई याद दिलाते जा रहे हैं, काम करते जाओ बोल के। काम हैदराबाद का भी बहुत बाकी है अभी। देखिए, ये दियोनी का कलेक्शन है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर कलेक्शन है। आप देख रहे हैं पूरे बड़े बड़े पाड़े हैं। डर होता है देर भाई? नहीं भाई, पाड़े मार देंगे। अरे नहीं भाई, डर हो जाता मेरे को। खैर जाने दो, आओ आप। तो देखिए, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पाड़े यहाँ पर हैं, आप लोग आके ले सकते हैं। मैं बड़े पाड़े स्पेशली वीडियोज़ में बतला रहा हूँ नहीं यहाँ के, क्योंकि छोटे पाड़ों के आप लोग रेट देख रहे हैं, मीडियम के देखें, एक एवरेज रेंज मिल गया आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ आके देख के ले भी सकते हैं। यहाँ पर लाइनअप में किसी के है पाड़े? ये बैलों में किसी के है? नहीं लिए। अच्छा भाई, शाम में आने के लिए बोल रहे थे। भाई आए कहाँ से आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, उमर है नाम मेरा। उमर आपके आगरा पे डेयरी पे देखता हूँ। बेटे का नाम है? चैनल पे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान, सलमान भाई कहाँ से है? मैं जहानुमा नवाब साहब कुंटे। अच्छा, जहानुमा नवाब साहब कुंटे से। तो घर के वास्ते जानवर लेने आए या सेल के लिए? नहीं, घर के सेल के लिए आया। सेल के लिए, यानी आज पूरे ट्रेडर ही ट्रेडर आ गए हैं और हर बाजार में अब ऐसे ही रहने वाला है। वही कुछ खरीदी आपकी? अभी तो अभी आए, अभी देख रहे। अच्छा, अभी तो मार्केट बहुत डाउन है? नहीं, बहुत ऊपर है। अच्छा, नहीं आप बोलते बोलते फिर चेंज कर दिए, तो मेरे को ऐसा देखा आप डाउन बोल रहे थे। मार्केट तो बहुत ऊपर है, तो हर कोई आ जा रहा ना। कितने हुए खरीदी? कुछ भी नहीं हुई। कब आए आप? अभी एक 10-15 मिनट हो रहा है। अभी तो आए आप, मार्केट में ढूंढिए, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ट्रेडर्स के हिसाब का कलेक्शन है यहाँ पर जी, और उम्मीद है इंशाल्लाह कम से कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? नरसिंह के शहंशाह पहाड़ों की लाइन में। भाई आपका नाम? फारूक भाई, काउंसलर के नाम से मशहूर है। और फारूक भाई, नरसिंह में कहाँ पर है लोकेशन आपका?
नारसिंगी मेन बाजार के अंदर है। पूरी नारसिंगी अपनी है, कहीं पर भी आगे फारूक भाई पूछे तो घर बतला देंगे। फारूक भाई कितने जानवर लिए हुए अभी? अच्छा आपके हिसाब से मार्केट कैसा है, क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है बाजार, हर आदमी देखना जी, देख के आप जहाँ समझना लेना बेहतर है। सबसे अच्छी बात, कल तुकुगड़े में भी यही बोला था मैं, बाजार आना देखना उसके बाद घर के खरीद के कमा रहे, क्या नहीं कर रहे जी जी, अपन हमेशा 150-200 जानवर बेचने वाले। बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल क्या वो तो करे बोल सका। अच्छा आप कितने लिए हुए, यानी आज की बात नहीं, टोटल आपकी डायरी पे कितने जमा हो गए? 26-27। सिर्फ 26-27, यानी इस साल थोड़ा कम हुआ काम? बहुत कम। अच्छा यानी रेट्स के फर्क की वजह से खर्चा ज्यादा हो गया? रेट्स की वजह से है या इलेक्शंस की वजह से? यानी इलेक्शन भी है थोड़ा बीच में, क्या है खर्चा अखराजा बहुत हो गया। गाड़ी 3 जनवरी ही डालना, 4 जनवरी ही डालना, कितना बोल के बोलो बराबर परेशानी है। इसको भी तकलीफ देना बेहतर है, सही है। अब जिसको जहाँ मिल रहा है उन्हें मिल जाए तो बेहतर है। कौन सी नस्ल के पाड़े जमा करे हुए आप? अंगुल है, महाराष्ट्र के थोड़े। अच्छा ठीक, तो चलिए कोई भी अगर नारसिंगी के करीब है तो आप लोग फारूक भाई का घर पूछ लेंगे किसी से भी, इंशाल्लाह बतला देंगे, वहाँ जाके फारूक भाई का कलेक्शन देख सकते हैं। जी भाई भट्टापल्ली जी, ये 58 जी, घर के लिए है आपके दिल के लिए? घर के लिए, घर के लिए निकाल लो भाई, पहले निकाल लो। अरे ये झीरस में करो, ये झीरस में करो। पलटा लो खत्म, वो निकाले दूसरे हाथ, सुने रख लेगा नकोबड़।